हाय फ्रेंड्स, आज फिर मिल रहे हैं हम, वो भी एक नई रेसिपी के साथ। और आज की रेसिपी का नाम है पनीर थ्रेड्स। दिखने में जितनी कठिन, बनाने में उतनी ही आसान। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले हम पनीर को बाइट साइज पीसेस में काटेंगे और उन्हें मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैरिनेशन। मैरिनेशन बनाने के लिए हम एक टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेंगे, 3 से 4 चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे, इसके बाद 1 चम्मच सोया सॉस। अब इसके बाद मैं 1 चम्मच शेजवान सॉस भी डाल रही हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, बहुत कम डालना है। मैं 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी, 2 चम्मच मैदा। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब जो पनीर के पीसेस मैंने काटे थे उन्हें मैं इस मैरिनेशन में डाल दूंगी, उसे अच्छे से मिला लेंगे। मैरिनेशन थोड़ा स्पाइसी हमने बनाया है क्योंकि इस मैरिनेशन के अलावा इसमें और कोई स्पाइस नहीं डाला जाता। धीरे से हल्के हाथों से हम इसे मिलाएंगे। अब इस मैरिनेटेड पनीर को हम 5 से 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे। तब तक हम स्प्रिंग रोल शीट के लच्छे काट लेते हैं। अब हम इसके बारीक बारीक लच्छे काट लेंगे। इस प्रकार से हम सारी स्प्रिंग रोल शीट को काट लेंगे। अब हमने सारी स्प्रिंग रोल शीट के लच्छे भी काट लिए हैं और पनीर भी हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इन्हें फ्राई करना शुरू करें। अब हम एक पनीर पीस लेंगे और इसे ये स्प्रिंग रोल शीट के ऊपर रखेंगे, उसको हम इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे। अब ये हमारा एक थ्रेडेड पनीर का पीस तैयार हो गया है। इसी प्रकार से हम अन्य पीसेस पर भी स्प्रिंग रोल शीट को लपेट देंगे। अब मैंने गैस जलाकर उस पर कढ़ाई रख दी है और उसमें तेल भी फ्राई करने के लिए डाल दिया है। अब जो हमारे हाफ डन थ्रेडेड पनीर रखे हैं उसे हम फ्राई करेंगे। थोड़े हल्के रंग के होंगे तभी हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये अपने टेम्परेचर से भी थोड़ा पकेंगे और इन्हें तलने में बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अब ये बन चुके हैं, इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। अब काफ़ी पनीर पीसेस हमने फ्राई कर लिए हैं, चलिए इनकी सर्विंग की जाए। मैंने पहले से सलाद काट के रखा हुआ है, चलिए सलाद के ऊपर इसे सर्व किया जाए। अब हम थ्रेडेड पनीर को इस पे अरेंज कर देंगे। अब इस पर मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी क्योंकि मिर्च तो ऑलरेडी पनीर को जब हमने मैरिनेट किया है तो काफ़ी डाल रखी है। आज के हमारे पनीर थ्रेड्स तैयार हैं। अब मुझे एक शेर याद आ गया, सच कहती है दुनिया इश्क पे जोर नहीं, सच कहती है दुनिया इश्क पे जोर नहीं, ये पक्के धागे हैं ये कच्ची डोर नहीं। तो सच में ये जो धागे हैं ना ये बहुत पक्के हैं और ये धागे ही हैं जो मुझे आपसे जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये रेसिपी बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और यदि आपको पसंद आ रही है तो
तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में देर मत कीजिए। अब हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।